दरबार स्क्वायर हम आ गए काल भैरव के दर्शन करो। एंट्री पे ही बिल्कुल काल भैरव की मूर्ति, यार क्या अंत जगह है। ये कुछ है शायद इनका म्यूजियम है, ये है भाई अंदर का देख लो। ये दिख रहे हैं जो डंडे टाइप, ये इन्होंने इसलिए रख रखे हैं भूकंप में मतलब नुकसान हुआ था उसको सेव करने के लिए। और ये देखो आर्किटेक्चर देखो यार, इनका दिल खुश हो गया यहाँ। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी नेपाल में, और अभी मैं जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर की तरफ। चलते हैं दरबार स्क्वायर, आज दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर करेंगे कि दरबार कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नेपाल की ट्रिप स्टार्ट की है। अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है नेपाल का बड़ा प्यारा रहा है। मैंने व्लॉग्स कम बनाए हैं बट अपने लिए टाइम ज़्यादा निकाला है इस बार, क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो चलो अब चल रहे हैं दरबार स्क्वायर की तरफ। सेम वही कसोल टाइप मार्केट है, हिमाचल टाइप, जैसे हिमाचल में कपड़े वगैरह मिलते हैं तो सारा वही है। नेपाल में एक चीज़ क्या है, जो मतलब अपने इंडिया में जो कल्चर होता है हिंदू मंदिर वगैरह, तो इधर भी ऐसे देखो ये जगह जगह पे मंदिर है, इधर छोटे छोटे मंदिर, जैसे एक ही है बीच रोड पे है बिल्कुल। ये देखो भाई ये सामने जो दिख रहा है ना, ये संतानेश्वर महादेव मंदिर, मतलब भोलेनाथ का ही मंदिर है। और क्या मतलब खूबसूरत स्ट्रक्चर बना रखा है, खतरनाक देखो को भाई पूरा मंदिर देखो क्या खतरनाक स्ट्रक्चर है। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, ये देखो वही जो नेपाल के कल्चर के हिसाब से जो भी होता है वो पूरा वही बना रखा है, महादेव का मंदिर है ये। तो चलो अब चल रहे हैं आगे पूरा दरबार स्क्वायर की तरफ। वो सामने दरबार स्क्वायर है, जूम करके दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है सामने दरबार स्क्वायर है। सो भाई ये मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे भोलेनाथ का मंदिर है, इधर है मार्केट और ये सामने भोलेनाथ का मंदिर है हमारे। और इधर की तरफ से मैं आया हूँ बैक साइड से, और यहाँ से अंदर जाओगे तो सीधा दरबार स्क्वायर है। सामने काल भैरव बाबा है और लक्ष्मी मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर है। तो चलो आज दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर करेंगे। जय नेपाल। सो भाई दरबार स्क्वायर हम आ गए, देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं। और ये देखो ये है सामने काल भैरव के दर्शन करो, काल भैरव की मूर्ति है। और कितनी प्यारी मतलब बना रखा है यार, क्राउड देखो कितना क्राउड आ रखा है, मतलब अलग ही वाइब है भाई यहाँ की। ये देखो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इतनी प्यारी जगह लगी मेरे को ये दरबार स्क्वायर, मतलब अंत भाई नेपाल। और ये बिल्कुल एंट्री पे ही है दरबार स्क्वायर, जैसे ही आओगे आप उसकी एंट्री पे ही बिल्कुल काल भैरव की मूर्ति है। यहाँ मंदिर है और महालक्ष्मी मंदिर है और भी मंदिर है, मतलब इतने मंदिर है कि आप गिन नहीं पाओगे। नेपाल क्योंकि प्योर हिंदू कंट्री है तो भाई मंदिर तो यहाँ होंगे ही होंगे। और ये देखो ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखो कबूतर वगैरह चिड़िया वगैरह कैसे बैठी हैं यहाँ पर, यार क्या अंत जगह है। मंदिर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो और अब चल रहे हैं हम यहाँ से अंदर की तरफ, थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे तो दरबार स्क्वायर है, मतलब बहुत बड़ा है यार दरबार स्क्वायर, हम बिल्कुल अंदर तक छानेंगे आज इसको। तो चलो अंदर चलते हैं। सो भाई ये है दरबार स्क्वायर नेपाल का, और बड़ी प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पुराने, जितने भी ये दिख रहे हैं ए टू जेड ये सब मंदिर है। कोई नारायण टेम्पल, कोई कोई टेम्पल, मतलब नाम मेरे को पूरा नहीं पता। बाकी ये सारे इधर की साइड अभी जाऊंगा दिखाऊंगा। बाकी ये कुछ है शायद इनका म्यूजियम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था, ये लग तो ऐसा ही रहा है। जिस पे लिखा भी ड्यूरिंग द रिविजन ऑफ द पता नहीं क्या है, कुछ है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से लिखा है। बाकी खतरनाक है, देखो ये लिखा है यहाँ पर। सो ये है दरबार स्क्वायर, और क्राउड बहुत ज़्यादा यार, क्राउड इस टाइम देखो, खुद देखो कितना ज़्यादा क्राउड है इस टाइम। सो ये इधर चलते हैं, इधर दिखाता हूँ दरबार स्क्वायर, और यहाँ हम आ चुके हैं। मतलब भाई क्या आर्किटेक्चर है, कसम से भाई झूठ नहीं बोल रहा, दिल खुश हो गया यहाँ के मेरा, मतलब पहली बार इतनी अच्छी जगह देखी है मैंने। और नेपाल यार सच में बहुत खूबसूरत है, एक बार तो आना चाहिए यार। देखो वैसे तो लगती है टिकट यहाँ पर, ये पूरा ब्रिटिश टाइप लग रहा है भाई, पूरा ए टू जेड वो स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिश बनाते थे, जैसे अपने इंडिया में भी है थोड़ा बहुत। सो भाई ये दिख रही है ना ये सामने, ये अर्थक्वेक आया था ना जो 2015 में, उससे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा, तो वो अर्थक्वेक से ना गिरे इसलिए बचाव के लिए डंडे लगा रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पर।
ये सब ए टू जेड ये सारा मतलब वही है, नेपाली टाइप स्ट्रक्चर है पूरा, जो पुराने टाइम का इनका बचा के रख रखा है, जैसे अपने देश की धराएं होती हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, मतलब हिस्टोरिकल चीज़, तो सब मंदिर है ए टू जेड जो भी दिख रहा है ना ऊपर तक, ये पूरा मंदिर है। और इधर ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये जो जितने भी आपके दिख रहे हैं ना, देखो ये दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं जो डंडे टाइप, ये इन्होंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि ये भूकंप में तो जो मतलब नुकसान हुआ था उसको सेव करने के लिए, कि भाई ये ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ये उसके लिए। बाकी ये दरबार स्क्वायर नेपाल का बड़ा प्यारा है यार, कसम से बहुत ख़तरनाक फील आ रही है इधर आके, मज़ा आ गया देख के। ये पूरी मार्केट लगी हुई है इधर, ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। ये पीछे शायद कुमारी कुछ करके है जगह जो पीछे था, और ये भी मंदिर ही है, मतलब ज़्यादातर मंदिर ही है यहाँ पर जितने भी आपको ये दिखते हैं ना, बस फर्क इतना होता है हमारे इंडिया में इन मंदिरों के बाहर लिखा रहता है और इनके बाहर लिखा नहीं है ये किन का मंदिर है, बट हैं ये सब मंदिर ही एक दो को यहाँ पर छोड़कर। सो भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये मंदिर भी है ना, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने सुना है दरबार स्क्वायर को शायद हनुमान ढोका कुछ करके बोलते हैं जो नेपाली लैंग्वेज में, उसका मतलब वही है कि जो हिंदू भगवान है हमारे हनुमान जी एक पत्थर है तो वो उनकी मूर्त की तरह उनके रूप में दिखता है, तो इसलिए जगह का नाम ऐसे है कुछ। और बाकी ये भी देखो मंदिर है बहुत सारा, और ये पूरा दरबार स्क्वायर है, मतलब यार अंत जगह है, एक बार तो अगर नेपाल आओ ना तो दरबार स्क्वायर ज़रूर आओ, चाहे आप काठमांडू वाला आओ चाहे तुम कहीं का भी घूमो, लेकिन घूमो जरूर यहाँ पर। भाई ये है दरबार स्क्वायर का बैक साइड, मतलब दरबार स्क्वायर के अंदर से होके मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, और ये देखो कैसे कलोनियाँ की कलोनियाँ बसी हुई है, मेरे को तो कलोनी लग रही है ये सारी, वैसे गांव है शायद ये। और ये देखो आर्किटेक्चर देखो यार इनका, पूरा लकड़ी का यार कैसे मतलब बचा के रख रखा है। बाकी ये है कि 2015 में जो भूकंप आया था ना उसमें नेपाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसमें दरबार स्क्वायर भी था एक, जो दरबार स्क्वायर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये देखो एक जैसे ये भी मंदिर ही है, मतलब ज़्यादातर मंदिर ही है यार यहाँ पर, और मेन यही है यहाँ का क्योंकि हिंदू धर्म बहुत मतलब है इधर, हिंदू कंट्री है यार एक तो नेपाल, सबसे बड़ी बात। किसी ने मुझे बताया कि ये जो सामने व्हाइट वाली बिल्डिंग है ना ये वाली, तो ये यहाँ के मतलब किंग पैलेस बोला जाता है एक तरीके से, तो चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है, बाहर से तो ज़्यादा सुंदर है अंदर देखते क्या है। सो भाई वाह, ये अंदर से ये एंट्रेंस है इसकी, देखो कितना बड़ा है यार, छत कितनी ऊपर है, मतलब सही बना रखी है, अंदर कैसा है, अंदर तो सही लग रहा होगा वैसे तो, चलो अंदर चलते हैं अब। ये है भाई अंदर का देख लो, मतलब राजा की जगह है, यहाँ राजा बैठता था शायद, क्योंकि जो मैंने सुना है लोगों से मैं वो बता रहा हूँ। तो भाई मतलब आर्किटेक्चर देखो यार, छत का कितना प्यारा बना रखा है नी, और ये नीचे झूमर वगैरह देखो, झूमर तो अलग ही लग रहे हैं भाई, ये देखो अंत ही जगह बना रखी थी भाई राजा ने भी, नेपाल नेपाल नेपाल, वाह भाई वाह मज़ा आ गया। तो ये देखो ये मैं प्योर वो दिखा रहा हूँ आपको, और इधर के लकड़ी का आर्किटेक्चर देखो यार, मतलब जिसने बनाया होगा कितनी खूबसूरती से बना, और कितनी मेहनत लगी होगी ना इस चीज़ को बनाने में, मतलब यार अंत ही चीज़ है, अंत सच में अंत ही चीज़ बना रखी है। तो भाई दरबार स्क्वायर जो मेन है ये राजाओं की जगह थी, जो राजा थे यहाँ के नेपाल के उन्होंने ये अपनी जगह बनाई थी यहाँ मतलब बैठने के लिए, और बहुत सारे दरबार स्क्वायर हैं नेपाल में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को पागल कर रहा है ना वो ये चीज़ पागल कर रही है यार, मतलब आर्किटेक्चर देखो बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, मतलब अंत ही जगह है भाई, बहुत ही अंत जगह है कसम से, एक बार आना चाहिए ज़रूर आपको। और ये जो है ना 2015 में जो भूकंप आया था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उससे बचाने के लिए कि और ज़्यादा नुकसान ना हो तो कुछ जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर जो भी है बहुत सही चीज़ कर रखे, ज़्यादातर नेपाल में आपको दिख जाएंगे पुराने घरों में ये सारी चीज़ें, तो बढ़िया चीज़ है वैसे ये। और अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ थोड़ा, तो यहाँ आपको सबसे बढ़िया टाइम बताता हूँ अगर दरबार स्क्वायर आप आना चाहो तो भाई, या तो सुबह आओ या आओ दोपहर के बाद, तभी यहाँ क्राउड भी अच्छा मिलेगा आपको, वाइब्स भी अच्छी आएंगी, तभी आपको मतलब एक अलग ही सुकून मिलेगा यहाँ आके, क्योंकि एक तो मंदिर इतने सारे हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख देख कर है ना पागल हो जाओगे। ये देखो मंदिर। तो भाई ये है दरबार स्क्वायर के बाहर की मार्केट, मैं बिल्कुल बाहर हूँ, दरबार स्क्वायर आपको दिखा दिया, मार्केट अगर देखी जाए तो सेम टू सेम, थोड़े बहुत डिफरेंट है बाकी सब सेम है इंडिया की तरह ही कपड़े वगैरह। और भाई सच्ची बताऊँ तो यहाँ एक तोपा भी लोगे ना वो भी नेपाली रुपीज़ में 550 650 750 ऐसा है, तो मार्केट थोड़ी सी महंगी है अगर देखा जाए तो। बाकी ये सामने दरबार स्क्वायर है, यहीं से एंट्री होती है, यहीं टिकट कटती है, जो 150 रुपये टिकट लगती है इंडियन सिटीजन्स की, और फॉरनर्स की लगती है यहाँ 1000 रुपये। तो ये है दरबार स्क्वायर की मार्केट। तो भाई ये है शिव मंदिर जो मार्केट के बिल्कुल सामने ही है,
और दरबार स्क्वायर की बिल्कुल एंट्री पे ही है। तो आज मैंने आपको दिखाया दरबार स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ मेरे को अगर आप सजेशंस देना चाहते हो कोई नई ट्रिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो कृपया करके कमेंट करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेपाल की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, और घूमते रहो।